ऐसे क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? फट जवाब आता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे का सफा चट सफा चट सफा चट। दूसरे पे महंगाई। जब मैं ये सुन रहा था खटाखट सफा चट खटाखट चटा चट, तो मैं ये देख रहा था कि ये देश के बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता ये सब कह रहे हैं। चुनाव भी गजब है, खटाखट सफा चट, मंगल सूत्र, मोदी की गारंटी, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, अडानी अंबानी, इन सब मुद्दों के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। मतदाता मतदाता जो मतदान करने जा रहा था वो अब अपने मतदान का उपयोग कर चुका है। अब एक ही सवाल है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। इसका रुझान भी आने लगा है, बहुत हद तक साफ होने लगा है कि मोदी तीसरे टर्म, रुकिए भाई रुकिए रुकिए रुकिए, तीसरे टर्म। आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी का वो संबोधन जब उन्होंने कहा था कि तीसरे टर्म, और फिर उसके बाद पॉज ले लिया था, रुक गए थे, ठहर गए थे, और ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के लिए मौन हो गए हैं, लेकिन जनता का शोर बढ़ गया था, जनता चिल्लाने लगी थी, और इशारा उसी समय मिल गया था कि क्या मोदी की वापसी होगी और तीसरे टर्म की सरकार बनाने जा रहे हैं मोदी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। तो चलिए चलिए चर्चा शुरू की जाए। 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी मेहनत की है और क्यों ऐसा रुझान आ रहा है, सब कुछ जान लेते हैं विस्तार से। पहले ये समझ लीजिए कि लोकसभा 2024 में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई और आज 44वां दिन है। 44वें दिन बाद आज सातवें चरण की वोटिंग के साथ लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है। अब सबको इंतजार किस चीज का है, बताइए भाई कौन जीतेगा, कौन जीत रहा है, इस सीट से कौन जीत रहा है, उस सीट से कौन जीत रहा है। आज विस्तार से इसी पर चर्चा होगी और जनता से भी बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिपब्लिक टीवी से, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने पहला एग्जिट पोल का जो रुझान है वो दे दिया है और जो आंकड़ा है वो आपको बता देता हूं। रिपब्लिक ने जो आंकड़ा दिया है वो बताया है कि एनडीए को 353 से 368 सीटें मिल सकती हैं। ये अनुमान है रिपब्लिक टीवी का। इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें और अन्य को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। तो चलिए अब ये जानने समझने का वक्त आ गया है कि कौन कितना आंकड़ा दे रहा है, कौन सा चैनल कितना बता रहा है। इंडिया न्यूज का भी बता देते हैं आपको। इंडिया न्यूज ने एनडीए को 371 और इंडिया गठबंधन को 125 सीटों का अनुमान जताया है, जबकि अन्य को 47। इस पर बातचीत करना होगा। देखिए, अगर आंकड़े आपके पास नहीं है, सर्वे आपके पास नहीं है, तो आपको सबसे बड़ा सर्वे किसका सुनना चाहिए? आपको जनता जनार्दन का सुनना चाहिए। वो जनता जनार्दन जो वोट देती है, जो मतदान करती है और मतदान के बाद लोगों को सरताज बनाती है, लोगों को सत्ता दिलाती है। तो चलिए दिल्ली मेरे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ेंगे, भोपाल चलेंगे, रायपुर चलेंगे और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी हमारे सहयोगी से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहाँ चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं अमृत तिवारी के पास। अमृत तिवारी दिल्ली के सीपी से, यानी कनॉट प्लेस से, यानी उस जगह से जहाँ देश भर के लोग आते हैं और तरह तरह की चर्चा करते हैं। तो हमने सोचा कि देश की राजधानी दिल्ली में ही क्यों ना आपकी बात कराई जाए अपने संवाददाता से और वहां पूछा जाए कि
कि बताइए वहां क्या हाल है, लोग क्या समझ रहे हैं। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ले चलेंगे, अंचल शुक्ला भोपाल में खड़े हैं उसके उनके पास भी ले चलेंगे, और रसिका पांडे जिन्होंने लोकसभा का कार्यक्रम किया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर किया है, वो भी बताएंगी कि उनका क्या अनुभव रहा है, उनका एग्जिट पोल क्या है। लेकिन अमृत, दिल्ली की ही तो कुर्सी है दोस्त जिसकी लड़ाई हो रही है, दिल्ली में ही तो वो सदन है अमृत भाई जहां बैठना है प्रधानमंत्री को, और दिल्ली ही तो वो चाबी है जहां से चलना है पूरे देश को। इसलिए सबसे पहले अमृत जी कहां खड़े हैं ये बता दीजिए, और जो रिपब्लिक टीवी और इंडिया न्यूज ने आंकड़ा बताया है आपके अगल बगल खड़े हुए लोग क्या उस पर सहमत हैं और क्या उनका कहना है इस एग्जिट पोल पर। शुरू करिए लोगों से बातचीत, और थोड़ा हां हिमाचल गए थे आप, अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू किया था, कंगना रनौत के सीट में भी गए थे, वो सब बताते दिखाते समझाते। जनता से बातचीत की शुरुआत कीजिए और बताइए कि एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए। अमृत तिवारी जी, ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ पे दिल्ली के सीपी में हूँ, कनॉट प्लेस में, और यहाँ पे जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि ये दिल्ली है तो अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, गुजरात से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, तो इन लोगों से हम जानेंगे कि जो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए को लेकर के जो जंग चल रही है उसमें बहुमत का आंकड़ा किसकी तरफ है। हम एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी तक आए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं उस पर भी हम लोगों से रुझान लेंगे, उनसे पूछेंगे। जी आप बताइए कि आपके नज़रिए से अब तो मतदान खत्म हो गए सातों चरण के, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो मोदी सरकार अमृत तिवारी जी सुनिए अमृत जी एक बार रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए अमृत जी, एक बार फिर मुझे सुन लीजिए, एक बार फिर से मुझे सुन लीजिए, फिर जनता के पास जाइए। एक ही सवाल करिएगा, कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, बस एक ही सवाल करिए, कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अमृत शुरू कीजिए। जी बिल्कुल जी, हमारा निर्देश है, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्ञानेंद्र जी सीधे पूछ रहे हैं कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। जीतेगा तो बीजेपी, लेकिन एक दूसरी चीज है, जैसे सूरत में हुआ आपने सुना होगा, क्यों जीतेगा ये बता दीजिए ना, सबका भरोसा है, और कौन है कि किसको हम पीएम देखना चाहेंगे, और कोई चेहरे है हमारे पास, जैसे गठबंधन में है के किस हिसाब से वो लोग गठबंधन बोल रहे, किस हिसाब से वो सरकार चलाएगी, मेरे को कुछ समझ, मैं सूरत गुजरात। अच्छा आप कहाँ से जनाब? गुजरात सूरत। क्या आप क्या लगता है कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी है, उसका काम बहुत अच्छा है सब। आप कहाँ से? सर मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल और मैं रोहिणी सेक्टर 13 रहती हूँ। मैं पूरे जीत रहा है सर, मैं पूरे डंके की चोट पे आंख बंद करके कह सकती हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी ही आ रहे हैं। हम सारी बहनों का माताओं का मोदी जी के साथ आशीर्वाद है, हम उन पे विश्वास रखते हैं, हम उन्हीं को दोबारा लाएंगे, वही देश को चला सकते हैं। ये राहुल गांधी केजरीवाल सब नाम के हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे चोर हैं, इन सारे भ्रष्टाचारियों ने हाथ इसलिए मिलाया है ताकि मोदी जी इनको जेल ना भेजे, ये जेल से जाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी, 1 मिनट 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आएगा ये सारे फिर अलग अलग हो जाएंगे। परसों खड़गे जी ने खुद अपना जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हम तो सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए एक हुए हैं और उनका मकसद कुछ नहीं है, जो पहले कहते थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, सब ये इनका ड्रामा है, मोदी जी ही आएंगे। आज आप मेरे से लिख के रख लो, आंख बंद करके कह सकती हूँ। अभी एग्जिट पोल में अभी जो शुरुआती एग्जिट पोल आए हैं बहुमत एनडीए को मिल रहा है, लेकिन 400 पार तो नहीं हो रहा है। 400 पार है, लेकिन आएंगे मोदी, मोदी घर घर मोदी। बिल्कुल, आप जनाब आप कहाँ से हैं पहले? मैं बिहार से हूँ। बिहार में तो बड़ी टाइट फाइट कही जा रही है कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक है उसमें है, कि आपने क्या महसूस किया है? अब बिल्कुल बिहार को कहा जाता है लोकतंत्र की जननी, और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है, और मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव बिहार में हुआ है परिपक्वता के आधार पर चुनाव किया गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, जीत को इसलिए कह रहा हूँ बात, कि अपने मुद्दे पर बिहार ने अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, अपने 1-to-1 फाइट है, बिहार में चुनाव लड़ा गया। आप देख लीजिए जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, आप देखेंगे इतनी कड़ी मुकाबला, प्रधानमंत्री पिछले 2019 का चुनाव में कभी भी कितनी रैलियां किए थे बिहार में, और 2019 का चुनाव आप देखेंगे उससे पहले का चुनाव में कितने रैलियां किए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी जो रैलियां इस बार जो की है उन्होंने, कई रैली आपको देखने को मिलेगा बिहार से रैलियां की गई है, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार ने जिस तरीके से जवाब देने की एक मकबूल प्रयास किया है,
सी, अब तो सब हो गया जी, मुद्दे पे बात हो गई, कौन किस पे भाषण दिया, क्या कहा, मंगलसूत्र कहा तो खटाखट कहा भी, हम लोग दिखा भी रहे थे, कौन जीत कौन रहा है ये बताइए। देखिए सर, हम ज्योतिष है ना और हम एग्जिट पोल निकालते हैं, नागरिक है ना, बिल्कुल वोटर है ना, बिल्कुल वोटर है। वोटर होने का मतलब यही है कि बिहार की जनता जितने जा रही है, बिहार की जनता की सरकार बनेगी। किसको एनडीए इंडिया, बिहार में चुनाव हुआ है, मुद्दे के आधार पर चुनाव हुआ है, महंगाई के आधार पर चुनाव हुआ है, बेरोजगारी के आधार पर चुनाव हुए हैं। बहराई जी, आप जनाब ये बताइए, इधर आइए, दिल्ली से आपको क्या लगता है परिवर्तन, परिवर्तन होगा? बहुत लोगों ने झूठे वादे और जुमले सुन लिए, अब परेशान है लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार। अमृत भाई रुक जाइए, अमृत तिवारी रुक जाइए, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर बता देता हूँ। इंडिया टीवी का रुझान आ गया है और वो मध्य प्रदेश को लेकर है, इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताना जरूरी है। दिल्ली चलेंगे, बनारस चलेंगे, भोपाल चलेंगे, रायपुर चलेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अहम खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश जहां से मैं बात कर रहा हूं आपसे, वहां का पहला रुझान आ गया है। और ये क्या है, ये अनुमान किसका है? ये इंडिया टीवी का है। और कितनी सीटें इंडिया टीवी दे रहा है मैं आपको बता देता हूं, 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस का हो सकता है सूपड़ा साफ। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में रणनीति बनाई, अमित शाह का छिंदवाड़ा रुकना, छिंदवाड़ा के गढ़ को बचाने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि नहीं, नकुलनाथ और कमलनाथ मिलकर जो है अपने गढ़ को बचा लेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा भी क्या नहीं बचेगा? 28 से 29 सीट, मतलब सब कुछ साफ है। इंडिया टीवी का जो अनुमान है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है। और नकुलनाथ का कलेक्टर के खिलाफ शिकायत करना निर्वाचन आयोग में और ये आशंका जताना कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, राजगढ़ दिग्विजय सिंह, ये बड़े बड़े दिग्गज, तो जो ये अनुमान है इंडिया टीवी का, इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीटें आ सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब से मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला है। अंचल, दिखाइए अंचल को और बताइए कि कितनी भीड़ है उनके आसपास, और भोपाल के ताल में लोग घूमने आते हैं, भोपाल के ताल में लोग ये देखने आते हैं, प्रकृति की सुंदरता देखने आते हैं और अपने परिवार के साथ आते हैं। अगर आपके पास नहीं है लोग तो घूमिए, जानिए और पूछिए उनसे कि जो इंडिया टीवी आंकड़ा बता रहा है मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीट, क्या आप इससे सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि इस 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, कितनी सीट मिल सकती है कांग्रेस को? अंचल, देखिए ज्ञानेंद्र, एग्जिट पोल जैसे ही आए हैं और उसके बाद हम यहां आम जनता से बात करने के लिए आए थे, तो बात जब भाजपा की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, तो कुछ तो होता है। यहाँ आधी और तूफान आ चला है और लोग यहाँ वहाँ दुपक कर खड़े हुए हैं। मैं आपको लेकिन दिखाना चाहूँगा, ज़रूर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर लोग हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, इंडिया टीवी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ करने की बात कही है, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक ही सीट थी 2019 में जो उसने बचा कर रखी थी, लेकिन वो भी इस बार जाती हुई दिख रही है। और खड़गे जी ने अभी आज ही एग्जिट पोल से पहले ये कहा था कि हम 295 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर इनमें दम हुआ ये सही साबित है। रुकिए 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 रुकिए, रुक जाइए, क्योंकि एक एग्जिट पोल और आ गया है और ये है चाणक्य का। याद कीजिए कि चाणक्य का एग्जिट पोल कई बार इतना सटीक आंकड़ा बताता है कि जो आंकड़ा अनुमान के तौर पर वो बताते हैं वही नतीजों के तौर पर हम देखते हैं। तो आपको बता देता हूं कि 2014 और 2019 में चाणक्य का एग्जिट पोल बहुत करीब था जो नतीजे आए थे। और चाणक्य के एग्जिट पोल में क्या है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल सकती है 27 से 29 सीट की बात चाणक्य कह रहा है। और 2014 और 2019 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये बताना रेफरेंस जरूरी इसलिए है कि आप समझिए कि चाणक्य जो सर्वे करता है या चाणक्य जो एग्जिट पोल बताता है वो 2014 और 19 में बहुत पास रहा है। तो कांग्रेस को मिल सकती हैं दो सीटें, कांग्रेस को दो सीटें मिल सकता है, मिल सकती हैं। और चलिए मैं आपको बता देता हूं आंकड़े, ये देखिए एग्जिट पोल एक अनुमान बता देता हूं साल 2004 में, एजेंसी कौन सी थी, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस के कितनी, अन्य को कितनी सीटें, एक बार आपको समझा देता हूं। ये एसी नीलसन का सर्वे था, 2004 का आंकड़ा बता रहा हूं, 2040 बीजेपी को, कांग्रेस को 198 और अन्य को 110 सीटें इन्होंने दी थी। ORG मार्क ये एजेंसी का नाम है, बीजेपी को 248, कांग्रेस को 190 और अन्य को 105 सीटें मिली थी।
इसके अलावा सी वोटर का क्या था अनुमान, 2004 की बात बता रहा हूं आपको, 263 सीट, कांग्रेस को 180 और अन्य को 92 सीट मिला था, कब, 2004 में, और सी वोटर के सर्वे आप देखते आए हैं बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों में। इसके अलावा वास्तविक नतीजे जो थे, वास्तविक नतीजे 121, अब 2009 का आंकड़ा बता देता हूं मैं आपको, 2009 में CNN ने 175 बीजेपी को दिया था, कांग्रेस को 195, अन्य को 150। ये सब इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल कितने करीब होते हैं नतीजों के, जो अनुमान बताया जाता है, जताया जाता है कि इतनी सीट होगी, तो उसको बता रहा हूं मैं कि ये CNN ने किया था, बीजेपी 175। इसके अलावा स्टार नीलसन 196 बीजेपी को दिया था 2009 में, कांग्रेस को 199, अन्य को 136। सी वोटर की फिर बात कर लेते हैं, 189 बीजेपी, कांग्रेस को 195 और अन्य को 144। लेकिन वास्तविक नतीजे क्या थे, ये भी आपको समझा देता हूं। ये तो अनुमान थे, वास्तविक नतीजे 159 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को 262 और अन्य को 106 सीटें मिली थी। ये सब अनुमान इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि उन सालों में जब ये नतीजे आए थे और एग्जिट पोल आया था, तब क्या हुआ था। अब 2014 बता देता हूं, ये 2014 और 19 हम कह रहे हैं ना, बहुत नतीजे आसपास थे, तो आपको बता देता हूं, 2014 में CNN ने 276 सीट बीजेपी की दी थी, कांग्रेस को 97 सीट, याद कीजिए आप, 97 सीट की जब मैं बात कर रहा हूं तो 44 सीट में सिमट गई थी कांग्रेस, और अन्य 148, स्टार नीलसन ने 272, 115 कांग्रेस को और अन्य को 156 सीटें, वहीं सी वोटर की बात कर रहा हूं मैं, 340 सीट बीजेपी को, 303 के समय 340 सीट, और कांग्रेस को 70 और अन्य को 133, और वास्तविक नतीजे 336 ये एनडीए बात कर रहे हैं, अन्य 147। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इंडिया टीवी ने छत्तीसगढ़ को लेकर भी बता दिया है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को छत्तीसगढ़ में भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को मिल सकती है 10 से 11 सीट, कुल 11 सीट है, और 2019 में ये सीट थी 9, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट मिली थी, 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, बस्तर और कोरबा 2 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस को जीत मिली थी, और इसके अलावा 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। रसिका पांडे हमारी सहयोगी, रसिका पांडे रायपुर से जुड़ गई हैं। रसिका, इंडिया टीवी ने जो बताया है कि 10 से 11 सीटें, इसका मतलब है कि 11 की 11 सीट तो नहीं मिल जाएगी कहीं बीजेपी को। आप तो खूब छत्तीसगढ़ घूमी हैं रसिका, क्या स्थिति है, और आज जहां आप खड़ी हैं क्या माहौल है, यहीं से आपने लोकसभा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, बताइए रसिका। बिल्कुल ज्ञानेन्द्र जी, देखिए इस वक्त मैं मरीन ड्राइव में मौजूद हूं और जनता से ही सीधे बात करेंगे। जो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आया है, जनता कितनी सहमत है, क्योंकि इस बार कई जगह पर मोदी मैजिक देखने को तो मिला है, लेकिन कांग्रेस भी कई जगहों पर मजबूती से डटी हुई है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये जानते, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? बाजी तो कभी भी पलट सकती है, लेकिन मैं चाहूंगी राहुल गांधी जी आए अब की बार, राहुल गांधी जी। अच्छा, तो देखिए बाजी कभी भी पलट सकती है कह रहे, क्या लग रहा है इस बार जो एग्जिट पोल कह रहा है, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंगली तो भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है छत्तीसगढ़ में। आप देखिएगा 4 जून जब रिजल्ट आएगा तो ये एग्जिट पोल साबित होगा। अच्छा। और जो मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसका है बहुत मजबूत आधार, और आधार है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो 10 साल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो कल्पना की वो साकार लेता हुआ दिख रहा है, और उस पर जनता की मोहर लगने वाली है। एग्जिट पोल तो कह रहा है सार्थक, इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर छत्तीसगढ़ में लीड कर रही है। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से एग्जिट कराना है, इसीलिए उन लोगों ने जो मत डाला है वो मत का रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, और ये पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से बता रहा हूँ कि जनता के विस्तार में 295 प्लस आएंगे हम लोग। ठीक है, 295 प्लस की बात करें, लेकिन किसी एग्जिट पोल में ऐसा देखा नहीं जा रहा, लेकिन देखते हैं नतीजे क्या बताएंगे। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? मोदी जी। कौन जीत रहा है? मोदी जी। आप बताइए क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस है वो बढ़ेगी आगे, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काम किया था
और अब जो आप देख रहे हैं कि विश्वास की सरकार जो भूपेश बघेल की थी उसका आज लोग याद कर रहे हैं और लोगों ने वोट दिया है। आप देखिएगा 4 तारीख को कैसे चलेगा। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? मोदी जी जीतेंगे, ये कंफर्म लग रहा है। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जनता क्या बोल रही है। ये जनता का एग्जिट पोल है और भी लोगों से बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि देखिए मरीन ड्राइव में बहुत सारे लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको कौन जीत रहा है। रसिका आपको रोक रहा हूँ, आपके पास फिर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी से आ रहा हूँ। तब तक और लोगों को इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर आज तक का रुझान आ गया है। इससे पहले मैं आपको बता रहा था चाणक्य का रुझान, इससे पहले मैं आपको बता रहा था इंडिया टुडे का, इससे पहले मैं आपको अलग अलग चैनलों इंडिया टीवी का बता रहा था, इंडिया न्यूज का बता रहा था, लेकिन अब आज तक का रुझान आ गया है। और कहां को लेकर आया है? छत्तीसगढ़ को लेकर आ रहा है, जहां रसिका पांडे मेरी सहयोगी बात कर रही है। सीटों का आंकड़ा बता देता हूं आपको, चला दीजिए ब्रेकिंग, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 10 से 11 सीटों का अनुमान आज तक ने जताया है कि 10 से 11 मतलब आप समझिए कि लगभग जो एग्जिट पोल आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, ये आज तक का अनुमान है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो 2 एग्जिट पोल आए हैं इंडिया टीवी के और आज तक के, इसके मुताबिक 10 से 11 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और वहीं आज तक के मुताबिक 10 से 11 भारतीय जनता पार्टी को, इंडिया टीवी ने कहा था कि 2 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, लेकिन आज तक के अनुमान के मुताबिक एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1 सीट। रसिका एक बार और जनता के पास जाइए और कहिए, उनसे पूछिए रसिका कि इंडिया टीवी का मैंने जो आंकड़ा बताया था 10 से 11 आज तक का भी आंकड़ा आ गया है। दूसरा बड़ा चैनल है जो ये कह रहा है कि 10 से 11 सीट छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 1। रसिका जल्दी जल्दी पूछिए उनसे कि क्या इस आंकड़े पर वो सहमत हैं या फिर उनके एग्जिट पोल, जनता का एग्जिट पोल कुछ अलग है। रसिका ठीक है, मैं जनता से बात करूंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि महिलाओं के लिए इतना काम हो गया है कि हम जीतेंगे, तो यहां पर ही महिलाओं से बात कर लेते क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है। वोट तो दिया होगा आपने भी, किसका माहौल देख रहे हैं? कमल छाप का आपको क्या लग रहा है आंटी, कौन जीत रहा है इस बार? भाजपा का ही लग रहा है। तो आप सुन रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी, क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार देश में? भाजपा ही आएगी मैम। तो आप एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे थे और सुन रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है, महिलाओं से ज्यादा बात करने की मेरी कोशिश रहेगी, क्या लग रहा है मैम इस बार कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। ऐसा आप लोग बार बार बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी ने ऐसा काम क्या किया है? क्या नहीं किया ये बताओ ना, मतलब खुश है काम से? रिपीट कर रहे हैं मोदी जी? हाँ करेंगे। एग्जिट पोल भी ऐसा ही कुछ कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी सीट बीजेपी के आने वाली 10 से 11, क्या लग रहा है? रहेंगी और आती ही रहेंगी बीजेपी, उन्होंने बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, बहुत ही कुछ, और हमको भी अच्छा लगता है अगर वो आएंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। आपको क्या लग रहा है आंटी? मोदी जीतेगा, मोदी को हम लोग वोट दिया है। पास आके बोलिए, क्या बोल रही हैं? मोदी जीतेगा, मोदी को ही वोट दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो देखिए आप सुन रहे हैं लोगों की बात, लोग क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? मोदी। काम किया है मोदी जी ने? जी हाँ। रिपीट करवा रहे हैं मोदी जी को? हाँ। तो आप लोगों से बात करने के लिए बोल रहे थे और मैं बात कर रही हूँ लोगों से कि आपने सुना कि महिलाएं क्या कह रही हैं और युवा लोगों से भी पूछ रहे हैं। रसिका रहा हूँ, एक बड़ी ब्रेकिंग और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ जाता हूँ और अंचल शुक्ला आप तैयार रहिएगा, आपके पास भी आ रहा हूँ, जनता जनार्दन के पास जाइएगा। बहुत बड़ी खबर है ये मध्य प्रदेश को लेकर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आ गया है। मध्य प्रदेश को लेकर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आ गया है, कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। और क्या है, बीजेपी को मिल सकती है 26 से 28 सीट, बीजेपी को 26 से 28 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में जा सकती है 1 से 3 सीट। तो चलिए एबीपी न्यूज ने जो अनुमान जताया है, जो एग्जिट पोल बताया है वो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 26 से 28 सीटें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें। ठीक है, और जाना चाहिए किसी के खाते में कितनी सीट भी जाए, लेकिन अंचल भोपाल ताल में खड़े होकर बताइए, हमारी तो शुभकामनाएं सबको हैं राजा, हम तो ये कहते हैं
कि जिसको जितनी सीटें मिल जाए, जिसके खाते में जितनी आ जाए, सबको शुभकामनाएं हैं, लेकिन जनता ने किसको वोट दिया है और किसको मिलने वाली है सत्ता, पूछिए। ये जो इतने एग्जिट पोल आ रहे हैं सब में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है, जनता क्या कह रही है अंचल? बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है, चेंज होना चाहिए, बहुत हो गया, बाकी मुद्दों से भटक रहे हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, व्यूमन्स सेफ्टी पर ये सब बातें होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरी काम था वो सेंट्रल सरकार ने किया, बट अब बदलाव ज़रूरी है और मुद्दों पे बात की जाए। एग्जिट पोल तो 350 से 375 सीटें दे रही है। ठीक है, एग्जिट पोल जो भी दो, बट मुझे लग रहा है कि इस बार जनता चाह रही है कि कांग्रेस आए और हम आगे मुद्दों पर बात कर सकें। आप क्या कहती हैं, किस मुद्दे पे आपने वोट किया है, किसको वोट किया है? हमने वोट किया है कांग्रेस को, कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस ही आएगी जी। ज्ञानेंद्र देखिए, यहाँ कुछ कांग्रेस भी, हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी सरकार आएगी और किन मुद्दों पे? मुझे ऐसा लगता है कि अभी बदलाव की जरूरत नहीं, फिलहाल ये विकास जो चल रहा है कंटिन्यू कैरी ऑन होगा लग रहा है। देश की जनता भी चाहती है, देश का मूड भी है कि ये सरकार अच्छे प्रगति के काम कर रही है, आम जीवन के जीवन में बहुत सुधार हुआ है। मेमन शक्ति भी रात 12 बजे महिलाएं कहीं भी हिंदुस्तान में आ जा रही हैं, जो 10 साल पहले 15 साल पहले माहौल था उसमें बहुत सुधार हुआ। तो मेरा मानना है कि सरकार वापस रिपीट होगी भारी बहुमत से। युवा क्या सोचते हैं, ज्ञानेंद्र दिए भी हम आपको सुनाएंगे क्या? बेरोजगारी भुखमरी एक अहम मुद्दा है और उस पर मुँह तोड़ जवाब देने का काम इस बार युवा वर्ग ने किया है, और लोकतंत्र संविधान को बचाने के हक में इस बार भारत की जनता जनार्दन ने वोट किया है, और परिवर्तन अति आवश्यक है। इस बार परिवर्तन तय है और कांग्रेस के साथ युवा विकसित होने का काम करेगा, देश विकसित होने का काम करेगा। क्या क्या कहते हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? सी, मोदी जी ने बहुत विकास किया है, एक इम्पैक्ट लीडर के रूप में आए। पहले के जो नेता थे वो युवा के लिए इतना नहीं कहते थे, और इतना डेवलपमेंट किया है उन्होंने, युवा वर्ग से लेके रिटायरमेंट वर्ग तक सब कुछ डेवलप किया है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को ही आना चाहिए। अंचल, अंचल आपके पास अगल बगल बहुत सारे युवा हैं, घूम घूम के बात करिए, जल्दी जल्दी पूछे, बस इतना ही पूछे, कौन जीतेगा कौन जीतेगा? एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है ये जीतेगी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने का अनुमान सारे एग्जिट पोल, जब बस इतना ही पूछे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जल्दी जल्दी जितने लोग दिख रहे हैं सबसे पूछ लीजिए। ज्ञानेंद, मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पानी बहुत जोर से गिर रहा है और हम कहीं पे खड़े हुए हैं और सारे ये जो लोग हमारे साथ थे उनसे हम बात कर पा रहे थे। पानी बंद होगा तो ज़रूर हम जाएंगे युवाओं के पास और भी लोगों से भी बात करेंगे, महिला वर्ग से भी बात करेंगे, बुजुर्गों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर पानी गिरने की वजह से हम इस जगह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ज्ञानेंद, जैसे ही पानी बंद होता है तो कोई बात नहीं है आपके पास जैसी भीड़ आएगी हम आपके पास फिर चले आएंगे। और ये जितने आंकड़े अब तक हमने दिखाए हैं, जितने आंकड़े हमने दिखाए हैं, इस आंकड़े को फिर से एक बार बताएंगे, शुरू से लेकर अंतिम तक सब कुछ रिपीट करेंगे, लेकिन आदर्श सिंह कहां खड़े हैं? मेरे सहयोगी आदर्श सिंह कहां खड़े हैं? वाराणसी में खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं। आदर्श, आपके साथ कौन लोग हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कितना इत्तफाक रखते हैं, वो सब बात करिए और जनता जनार्दन की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवाइए। बहुत देर से खड़े हैं आप, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि ऐसे आंकड़े और ऐसी ब्रेकिंग आ जा रही थी कि मुझे बार बार इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शिफ्ट होना पड़ रहा था। आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे पूछिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कितने सच साबित होंगे 4 तारीख को। आदर्श, ज्ञानेंद्र जी, वाराणसी में पीएम मोदी की लोकप्रियता तो बहुत है, लेकिन यकीन मानिए 4 लोग पूछ चुके हैं कि तिवारी जी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इस समय मैं पप्पू की अड़ी पर मौजूद हूँ, ये वो दुकान है जहाँ पर पीएम मोदी चाय पीने आते हैं, पीएम मोदी पान खाने आते हैं। अंदर आपको ले चलता हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा को जल्दी से अंदर आएँ, और मैं आपको यहाँ पर बैठे हुए लोगों से, क्योंकि यहाँ पर विश्व भर की पंचायत होती है, सिर्फ वाराणसी तक ये मामला सीमित नहीं है, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अभयनाथ। बताइए कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार आ रही है? मुद्दा तो हम लोगों ने 7 चरण में देख लिया है, सरकार किसकी बन रही, कौन जीत रहा, क्यों? अरे पत्रकार महोदय, आप बताएं ना, इसमें हम कोई सर्वेयर तो है नहीं कि आप नहीं बताएंगे। क्या नाम सर आप? जी रितेश, रितेश राय। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, आपका क्या अंदाजा? बीजेपी तीसरी बार आ रही है। कारण क्या है? काम की है। क्या नाम है सर आपका? नहीं बोले। क्या नाम सर आप? नीलेश कुमार से। कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है और क्यों, कारण क्या?
नहीं, जितना क्या है, सरकार रिपीट ही हो रही है तो आप लोग भी जान रहे हैं। ये तो कारण क्या है? कारण क्या है, परफॉर्मेंस ही देखा जाता है ना। जो भी खिलाड़ी टीम में बार बार सिलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस पुराना बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? मनोकामना विमल राय। सही राय साहब, की कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, कारण क्या है, किसकी सरकार जीत रहे हैं? मोदी जी जीत रहे हैं। कारण क्या है, क्या लगता है, क्यों ऐसा? अरे भाई, नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात है, ग्रास रूट पे पहुंचने की बात है, गरीब को भोजन देने की बात है, दवा की बात है, दारू की बात है जी। देखिए भाई साहब, बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, मुझे पता 2 मिनट का समय लूंगा आपका। ये बताइए कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन? मोदी जी जीत रहे हैं, क्यों, कारण क्या? काम देखिए, बोलने की आवश्यकता तो है ही नहीं है, बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? हाँ सर, राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, ये बताइए कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है? हम ये पूछ रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है? सर आएगी तो बीजेपी ही, बीजेपी आएगी, क्यों, कारण क्या है? सर इनके काम जो हुए हैं 5 सालों में आम पब्लिक तक पहुँचा है, जैसे इनका आवास दिया गया है, लाइटिंग इन्होंने दिया है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिए हैं, 6,000 रुपये दिए। पब्लिक से आप रूरल एरिया में जाके पूछिए तो कहते हैं कोई हमको दिया क्या है। मान लीजिए तमाम चीज़ें हुई हैं, जो इनका 400 नहीं आएगा, देखिए इनका आएगा, मान के चलिए हम, हमारा जो अनुमान है 300 के इर्द गिर्द आएगी सीटें, 300 के आसपास सीटें आपका अंदाज़ा है। चलिए, क्या क्या नाम है सर? मनोज। ये बताइए कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में सारे चैनल। 400 पार। 400 पार, चार जून 400 पार विकास हो रहा है और जनता प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख रही है। 400 पार एकदम निस्संदेह। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाएं। ज्ञानेंद्र, अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं पीएम मोदी यहाँ पर लगातार आते रहे हैं और इस चाय की दुकान की अपनी एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं और खासतौर पर देश दुनिया की बातें होती हैं। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि राजनीति का गढ़ भी इसे कहा जा सकता है। और आराम से पीछे को, ठीक है, ठीक है। आदर्श, पसीने से तर बतर हैं आप, लेकिन आप लोगों से बात कर रहे हैं। अमृत, दिल्ली चलें एक बार। अमृत, आपके पास आना चाहता हूं मैं। दिल्ली बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की कुर्सी के लिए ही पूरी लड़ाई है। आपके साथ लोग हैं तो जो अब तक अनुमान आया है उस अनुमान पर एक बार बात करिए जल्दी से। फिर मैं फिर से दर्शकों को बता देता हूं कि देश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति, उस पर जाऊंगा। लेकिन पहले देश को लेकर जो अनुमान आ रहे हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे टर्म की बनती दिखाई दे रही है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो तीसरे टर्म का संबोधन था वो भी सच साबित होता दिखाई दे रहा है। अब तक जो आंकड़े आए हैं, अमृत एक बार अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछिए कि इस बार फिर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार और बहुत बड़ा बहुमत। अमृत तिवारी जी। ज्ञानन जी, हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पे सीपी में, कनॉट प्लेस में। जितने भी अभी तक के एग्जिट पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो ट्रेंड है वो प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये एग्जिट पोल दिखा रहा है कितना सही है आपके हिसाब से? सर ये 100% तो सही है और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी भोपाल से हूँ, नाम अनिल साहू हुए, और जितना मोदी जी ने बोला है कि 400 पार की गारंटी है और हम और हमारी जितनी भी आम जनसंख्या जिन्होंने काम किया है मोदी जी के माध्यम से, जितना भी काम हुआ है इस भारत देश में, पहला जो मुद्दा था राम मंदिर का 370 का, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने सॉल्व किया है बिना उलझन के किसी भी। और विपक्ष की मैं बात करूं तो आज 50 के नीचे जो कांग्रेस है उससे भी नीचे जाएगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तो विजय रथ। इनका अनुमान है कि कांग्रेस 50 सिमट जाएगी। आप बताइए आपके नजर में ये किसकी सरकार आ रही है एग्जिट पोल? बीजेपी। क्यों आ रही है? क्योंकि बीजेपी ने काम करके दिखाया है, जो 10 साल में बीजेपी ने किया वो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। और आप यहाँ तक कि ऐसा तो नहीं कि आप रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं जो अभी तक चल रहा है कि काम नहीं हुआ है 70 साल बराबर? ये आप भी जानते हो कि बीजेपी कितना काम किया और कांग्रेस कितना काम किया है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा।
जी आप बताइए, आप सर मेरे ख्याल से क्या लगता है कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। सरकार निश्चित तौर पर बीजेपी की बनेगी, और जैसा इन्होंने कहा, उन्होंने भी कहा काम किया है, काम जिस तरह का किया है इन्होंने इन जनरल बताया। मैं आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ लॉ, बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे पता है कितना हम लोगों के लिए सहूलियत हुई है। एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में जब 2013 से पहले हम लोग कंपनी बनाते थे तो इंडिया में जो मुश्किलात आती थी उसमें इंडिया 201 नंबर पे था कंपनी बनाने के नंबर पे, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ थी। 2013 के बाद इंडिया में कंपनी बनाना इतना आसान हो गया कि चौथे नंबर पर है इंडिया, और इतनी इसी वजह से इतनी सारी कंपनीज फॉर्मुलेट हुई है, इतना ग्लोबलाइजेशन आया, इतना जो प्रधानमंत्री कहते रहे ईज ऑफ गवर्नेंस जी, वो वाकई में जमीन पे दिखाई दिया जी। अभी ठीक है अमृत भाई, अमृत भाई आप दिल्ली में सीपी में इसी तरह से जनता जनार्दन से बात करते रहिए और उनके नब्ज को टटोलते रहिए, और वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है जीतेगा कौन, सरकार किसकी बनेगी, और हम क्या सोच रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, ताकि आप ये जान सकें, आप ये समझ सकें कि किसका क्या आंकड़ा है। तो अब तक जो आंकड़े आ गए हैं, जो अनुमान आ गए हैं, डाल दीजिए वॉल पर, और मैं आपको बता देता हूं कि रिपब्लिक टीवी ने क्या कहा था, एक बार फिर से बता देता हूं। रिपब्लिक टीवी के जो एग्जिट पोल हैं उसमें एनडीए को 353 से 368 ये तो भारी बहुमत दे दिए। ये बहुमत नहीं, वो जो मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे थे ना कि बीजेपी और मोदी की सुनामी है, ये सुनामी वाला रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल से ये आंकड़ा पता चल रहा है कि ये सुनामी है। और इंडिया गठबंधन 118 से 133 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल में बताया है किसने, रिपब्लिक टीवी ने, तो जबकि अन्य जो हैं अदर हैं उनको 43 से 48 सीट। एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि आज केवल आप आंकड़े देखना चाहते हैं, आप अनुमान देखना चाहते हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि ये बताइए कि एनडीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा साधना करते भी आपको दिखे, और आज ही वो जब साधना कर रहे थे उसकी तस्वीर विस्तार ने उसने विस्तार से आपको दिखाई थी। तो देखिये 353 से 368 का आंकड़ा रिपब्लिक टीवी ने दे दिया है, और इंडिया गठबंधन को 118 से 133 और अन्य को 43 से 48। चलिए दूसरा आंकड़ा डालिए, दूसरा टीवी जो है इंडिया न्यूज ने क्या अनुमान जताया है एग्जिट पोल में, और 4 तारीख को नतीजे को बाद तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा, लेकिन आज आपको इंडिया न्यूज ने क्या बताया है, और डी डायनमिक जो एजेंसी है उसके अनुमान ने क्या बताया, ये भी बता देता हूं। एनडीए 371, ये भी डॉक्टर मोहन यादव के सुनामी वाले बयान के इर्द गिर्द है। इंडिया गठबंधन को 125 सीट और अन्य को 47 सीट। इस बार का चुनाव, इस बार लोकसभा का चुनाव जो खटाखट फटाफट से लेके और जिस तरह से जवाब सवाल हो रहा था, और वोटिंग प्रतिशत जब कम हुआ तो कहा यह जा रहा था कि इस बार सब कुछ गड़बड़ है, मोदी का जलवा बरकरार है या सब कुछ बदल जाएगा, बात इस तरह से हो रही थी। लेकिन इंडिया न्यूज डी डायनमिक का जो अनुमान है एग्जिट पोल का, एनडीए 371, इंडिया 125 और अन्य 47, तो ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अब पूरी तस्वीर बता देता हूं आपको, पूरी तस्वीर आपको बता देता हूं, सब कुछ साफ साफ विस्तार से बता देता हूं। वॉल में डाल दीजिए, डाल दिया है, देखिए पोल ऑफ पोल, और एक एक चैनल सोर्स कौन है उनकी बात हम कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत, जन की बात, इंडिया न्यूज, रिपब्लिक टीवी, न्यूज नेशन, और पोल ऑफ पोल्स के जो फाइनल आंकड़े हैं वो सब कुछ भी आपको मैं विस्तार से बता देता हूं, दिखा देता हूं। तो चलिए रिपब्लिक भारत जिसकी मैं बात कर रहा था, एनडीए को कितनी सीट, 353 से 368, इंडिया गठबंधन को 110 से 133 और अन्य को 43 से 48। दूसरे चैनल पर फटाक से चलता हूं, और ये जन की बात का जो सर्वे है, ये जन की बात का जो एग्जिट पोल है, ये भी आपको बता देता हूं। जन की बात में 362 से 392, ये तो 400 का आंकड़ा, इसका अगर इसके अनुमान की बात माने तो 400 के पास ये आंकड़ा पहुंच रहा है, 362 से 392। तो क्या बीजेपी इस बार 400 पार का नारा सच होगा? 4 तारीख का इंतजार कीजिए। और इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीट, जबकि अन्य को 10 से 20 सीटों का अनुमान जता रहा है जन की बात का एग्जिट पोल। तीसरे पर बात करते हैं, इंडिया न्यूज की बात बता देता हूं आपको, 371 सीट, ये भी 400 के आसपास जाता हुआ आंकड़ा, 371 सीट और इंडिया गठबंधन 125, जबकि अन्य को 47 सीटें। एक बार फिर से आपको ये देखिए, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी में आ जाते हैं, 359 सीट एनडीए, 154 इंडिया गठबंधन और 30
अन्य को। न्यूज नेशन का सर्वे है, न्यूज नेशन का जो एग्जिट पोल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। न्यूज नेशन ने क्या बताया है, 360 सीट बीजेपी एनडीए को और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को 161 और अन्य को 22 सीटों का अनुमान है न्यूज नेशन का। अब आपको फाइनल आंकड़ा जो कहते हैं ना कि साफ साफ तस्वीर, ये भी आपको बता देता हूं, जो आंकड़ा है कि आखिर इसमें एक बार डालिए पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े में बता देता हूं। और ये आंकड़ा ये गायब कर दिए थे तो मैं भी बहुत आशंकित हो गया था कि जो ये फाइनल आंकड़ा है ये कैसे औसत है, ये औसत सबका निकाल कर जो हमारे सब प्रोड्यूसरों ने मेहनत की है और जो इसके पीछे मेहनत हो रही है, तो मैं सोचा औसत वाला आंकड़ा गायब कर दिया तो क्या बताऊं, ये तो अलग था। चलिए आ गया है इसलिए बता देता हूं, ये परेशान करने की साजिश है। 367 सीट एनडीए को, ये जो औसत है, जितने भी पोल्स मैं आपको बता रहा हूं इनके सब का औसत आंकड़ा जो है वो है 367 भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो आप देख रहे हैं, इसको इंडिया गठबंधन को 140 और अन्य को 36 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा होगा वो भी हम आपको बताएंगे दिखाएंगे। तो 6 एग्जिट पोल में एनडीए 350 के पार का आंकड़ा मैंने अब तक आपको बता दिया है। इंडिया गठबंधन को 125 से 161 सीटें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, सुनामी है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 6 एग्जिट पोल में एनडीए 350 से पार है। तो कुल मिलाकर आज अगर एग्जिट पोल के अनुमान की तरफ हम जाएं तो आज ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अमृत तिवारी आपके पास आया था, मैं आऊंगा, लेकिन एक बार फिर रायपुर चलता हूं। रसिका रायपुर आ रहा हूं और आप बताइए कि ये जो 350 पार जाता हुआ अनुमान और आंकड़ा दिखाई दे रहा है सभी एग्जिट पोल का, क्या इससे जनता सहमत है, रायपुर की जनता, क्योंकि 10 से 11 सीट वहां एग्जिट पोल दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। रसिका तो ज्ञानी जी, कुछ देर पहले भी आप लोगों की बात सुन रहे थे, मैं और भी लोगों से बात करने के लिए रुक करूंगी। एक अंकल मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। देखिए, एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करते हुए दिखा रहा, क्या लग रहा है, आप सहमत हैं इससे? एग्जिट पोल से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी की सरकार बननी है और 400 पार वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार बन रही है, बनेगी। क्या ऐसा काम लगता है मोदी जी ने किया है? मोदी जी ने जो काम किया है, आपका विकास, रोड का विकास है ना, शहरों के अंदर जल प्रदाय व्यवस्था, ग्रामीण जल प्रदाय व्यवस्था, इसमें ऐतिहासिक कार्य है। ठीक है, ऐतिहासिक कार्य बता रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार देश में बन रही है, क्या लगता है आपको? संभावना है और मुझे लगता है कि लोगों की संतुष्टि है इस सरकार से, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बार फिर से हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देखेंगे अपने देश के लिए और विकास भी करते रहेंगे। अच्छा, तो विकास किया है मोदी जी ने इसलिए सरकार बनेगी, आप सुन रहे हैं कि क्या जनता बोल रही है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? सरकार 100% बीजेपी की आएगी, 380 प्लस, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ये पक्का है। अच्छा, बीजेपी की सरकार एक बार फिर मोदी सरकार। ठीक है, कितनी सीटें बोल रहे हैं? 380 सीटें आएंगी प्लस। तो देखिए, 380 प्लस सीटें की बात कर रहे हैं और लगातार मैं लोगों से बातचीत करते रहूंगी, कुछ युवा भी हैं उनसे भी बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है चुनाव? पता नहीं, आइडिया नहीं है। क्यों, वोट नहीं दिया या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं? वोट नहीं दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और भी लोगों से जानने की कोशिश रहेगी। क्या लग रहा है आपको मैम, कौन जीत रहा है इस बार? आइडिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखिए लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है और साथ ही जनता का भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, महिलाओं में उत्सुकता ज़्यादा हो जाती है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत? हाँ, मुझे तो लगता है बीजेपी जीत रहा है। क्या ऐसा कर दिया मोदी जी? अब मोदी जी तो सबके दिल में बैठे हैं। अच्छा,
तो आप सुन रहे हैं मोदी जी तो दिल में बैठे हैं तो जीतेंगे, ये लोगों का कहना है। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी। देश का एग्जिट पोल आ चुका। ठीक है रसिका, ये सबसे बड़ा लाइव सर्वे है जो आप कर रही हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। अंचल आप जा सकते हैं क्योंकि आपको आपको जाना है किसी बड़े मंत्री के यहाँ और विस्तार न्यूज में विस्तार न्यूज से बात कराना है। बार बार आपके यहाँ से डिमांड आ रही है। अंचल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रसिका आप बने रहिएगा, अदर सिंह आप बने रहिएगा, अमृत तिवारी आप बने रहिएगा, अंचल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, तीन बार लगातार चुनाव लड़े तो सीट कम होती है या ज्यादा, ये भी समझाएंगे आपको। आपको पहले इतिहास में ले चलते हैं, जब नेहरू के नेतृत्व में लड़ी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी तो क्या हुआ था, समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझा देता हूं। साल 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, तब कांग्रेस को 364 सीटें मिली। पांच साल बाद साल 1957 में चुनाव हुई हुआ तो कांग्रेस को 371 सीटें मिली, मतलब 8 सीटें ज्यादा जीती कांग्रेस। लगातार पंडित नेहरू दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और फिर साल 1962 में चुनाव हुआ, तीसरी बार नेहरू के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटें कम हो गई। कांग्रेस को 1962 के चुनाव में 361 सीटें मिली। ये इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दो बार सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ रही है। अब बीजेपी भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पिछले चुनाव में सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव की सीटों की बात कर लेते हैं। जब पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा 2014 में, बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। ये सब आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जब आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं और दिखा रहे हैं तो आप ये सोच पाएं कि भारतीय जनता पार्टी को जब लोग चुनाव जीतने की मशीनरी कहते हैं और चुनाव जीतते जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार ये कहा जा रहा था कि वो जलवा बरकरार नहीं है। 2019 में बीजेपी को 330 सीट मिली और साल 2024 में बीजेपी का जो अब तक का एग्जिट पोल हम बता रहे हैं आपको, कितनी सीटें 2014 से 19 में 21 सीटें ज्यादा, मतलब लोकप्रियता है वो लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ी है। ये इतिहास बताने के पीछे का मकसद ये था कि आप ये समझ सकें कि इतिहास क्या कह रहा है। कांग्रेस जब लड़ रही थी सरकार में रहते हुए तब आंकड़ा क्या था, और भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ रही है तब आंकड़ा क्या है। चलिए कुछ ग्राफिक्स हैं जिसको समझाने के मुझे निर्देश दिए जा रहे हैं, तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देता हूं, समझा देता हूं कि देखिए जब पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ी, जो मैं आपसे कह रहा था उसको बड़े वॉल में दिखा के बता देता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी साल 2014 में 282 सीट जीती, बीजेपी ने 2019 में 330, मतलब आंकड़ा बढ़ रहा है। और ये जो बीजेपी का ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रश्न चिन्ह कि 2024 में क्या होगा, 2024 में यहां कितना आंकड़ा भरा जाएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो अभी पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 303 का आंकड़ा 2019 में 303 और 2024 में, तो 2024 में क्या 300 पार होगी बीजेपी, और क्या थे इसके पीछे मुद्दे, आखिर अगर बढ़त ये मिलेगी और ये बढ़ते जाएंगे आंकड़े तो मुद्दे क्या थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बढ़त मिल रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। चलिए मुद्दा बता देता हूं आपको 2024 के चुनावी मुद्दे। एक तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी इसी ड्रेस में जब से न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं वो इसी व्हाइट टी शर्ट में आपको दिखाई देंगे, और पूरे देश जहां वो चुनावी सभा कर रहे हैं या फिर पैदल जा रहे हैं, पूरी ठंड में इसी कपड़े में राहुल गांधी आपको दिखाई दिए हैं। इसलिए आपको 2024 के चुनावी मुद्दे बता देता हूं क्योंकि आज बात हो रही नतीजों की, नतीजे कब आते हैं, कैसे आते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन वो मुद्दे कौन से हैं जो प्रभावित करती है जनता को और जनता जिस पर भरोसा करती है। एनडीए
मोदी की गारंटी। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए, जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए, उन्होंने सीधे कहा यह मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। दूसरे जो नेता अमित शाह हो या दूसरे केंद्रीय मंत्री हो, अलग अलग सीटों में जाते थे तो वहां ये कहते थे इस सीट को आप जिता दो, जीत की इस सीट को आप जिता के दे दो, यहां के विकास की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यह सबसे बड़ी बात थी और सबसे बड़ी पंचलाइन और सबसे बड़ी बीजेपी की ताकत। जनता के डीएनए में ऐसा लगा कि जनता ने इस बात को आत्मसात कर लिया है कि मोदी गारंटी दे रहे हैं, मतलब पूरा होना ही है। और दूसरा, मंगल सूत्र को लेकर कितने बयान हुए, मंगल सूत्र को लेकर कितनी बयानबाजी हुई, फैक्ट चेक हुए और वो भी चुनावी मुद्दा बीजेपी की तरफ से बना। तीसरा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप देख रहे थे कैसे लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया था, जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई थी कि क्या इंडिया गठबंधन इसके पक्ष में है, और सभी ने अपने अपने तर्क देकर इस पर सफाई दी थी। और संपत्ति बंटवारा, राम मंदिर, पीओके, राम मंदिर में आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव से पहले देश के तमाम बड़े उद्योगपति हों या फिर नेता हों या फिर अभिनेता हों, बड़े बड़े संत महात्मा हो, वहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचकर एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई थी। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लेता हूं। इंडिया गठबंधन हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, देखिए मैं इस बात से सहमत हूं या नहीं सहमत हूं ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो ग्राउंड में हमने तस्वीर देखी, जो हमने पिक्चर देखी, उसके मुताबिक ये महंगाई बेरोजगारी से लोग बात तो करते हैं इसकी, ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन दूसरे तरफ लोग ये भी कहते हैं भाई साहब आमदनी भी तो बढ़ रही है। बेरोजगारी का मुद्दा, ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में इस तरह से नहीं पहुंचा पाई जिस तरह से मोदी की गारंटी ने काम किया। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन मोदी की गारंटी एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें इससे हावी होते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इंडिया अलायंस ने और इंडिया गठबंधन ने बहुत चर्चा की, इस पर विस्तार से हमने भी कई बहस की, कई स्टोरी दिखाई, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा लिया है, ये देखिए कितना चंदा लिया है। लेकिन अमित शाह आए, अमित शाह ने काउंटर किया और अमित शाह ने कहा कि ये फैक्ट है, और बोले कि ये बीजेपी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन की अलग अलग पार्टियां। उसके बाद से ये मुद्दा भी जनता के बीच में उस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग नहीं पहुंचा पाए जिस तरह से मोदी की गारंटी ने असर किया। अब ये देखिए संविधान इस तरह से संविधान की डायरी लहराते हुए राहुल गांधी सभा को संबोधित करते थे। संविधान की बात करी, पूंजीपति की बात करी। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात आपको देखने को क्या मिली, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अडानी और अंबानी ने कितना दिया है। आपको याद होगा उस बयान के बाद कितना भूचाल मचा और कैसे एयरपोर्ट में जाकर राहुल गांधी ने दिखाने बताने की कोशिश की कि ये देखिए अडानी ने बनाया है, अंबानी ने बनाया है। जाति को लेकर बात हुई, ईडी सीबीआई को लेकर बात हुई कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती। तो चलिए आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, और लगातार एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, पोल ऑफ पोल्स के जरिए हम आपको विस्तार से दिखाते और बताते रहेंगे।